हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल माईनी में श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेक ओवर कैसे है आप लोग आई नो आप सब इस वाले हेयर स्टाइल का वीडियो का वेट कर रहे हो आई मीन टू से ये वाला हेयर ट्यूटोरियल के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आया जब मैंने इनका मेकअप लुक डाला सो so, अगर अभी तक आपने मेकअप लुक नहीं देखा तो क्या वेट करे हो बहुत ही सुंदर मेकअप हुआ चेक कर लेना सो so, मैं ना वॉइस ओवर भी करूँगी एंड सॉन्ग भी लगा दूंगी अदरवाइज इतना बोलूँगी तो शायद आप लोग पक जाओ तो देखो सिंपल एकदम इजी हेयर स्टाइल है सबसे पहले क्रीम्पिंग किया गया ईयर टू ईयर में और सी सेक्शन में एंड इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है ईयर टू ईयर हेयर को डिवाइड करना है एंड पीछे में इस तरह से सी सेक्शन करना है फिर नीचे वाले हेयर में आपको अच्छे से पोनी कर लेना है आप इस तरह का स्टिक आता है अमेजोन से इसको मैंने लिया हुआ है मैं कोशिश करूंगी कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँ सारे प्रोडक्ट का तो बहुत अच्छा स्टिक है बहुत अच्छे से हेयर को ना स्टिक करता है एंड कोई भी फ्रिजनेस होते ना सब कुछ अच्छे से कवर हो जाता है सो so, मेरी असिस्टेंट अब एकदम प्रो हो गई है हेयर में सो so, मैं मेकअप करती हूँ एंड हेयर में इनको ही करने देती हूँ सो so, यहाँ पे देखो कैसे हेयरस्टाइल बना रही है बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बना था तो so, इन्होंने पीछे में अच्छे से पोनी किया एंड फिर फ्रंट में भी आपको लगाना है स्टिक चाहे तो आप लगा सकते होगा फ्रिजनेस ज़्यादा है फिर आप स्प्रे यूज़ कर लो टाफ्ट का आप होल्डिंग स्प्रे और साइन स्प्रे दोनों यूज़ कर सकते हो अब देखो इसका जो मेन प्रोडक्ट है ना वो यही है आप ये ओसिस प्लस का यानी स्कॉच कॉफ का ये भी है इस तरह से पाउडर डस्ट आता है ये क्यों यूज़ किया जाता है मैं आपको बताती हूँ ये यूज़ किया जाता है वॉल्यूम के लिए जिनके हेयर में हल्का फुल्का आपको वॉल्यूम चाहिए हल्का फुल्का मैं क्या बोल रही मतलब स्वेटिंग जिनके हेयर में काफ़ी ज़्यादा आती है एंड वॉल्यूम चाहिए आप चाहते हो कि बिना स्प्रे के आप थोड़ा अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करो मुझे सच्ची बताऊँ तो ये स्प्रे से भी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इस पाउडर को डालने के बाद आपको इस तरह से टोंग यूज करना है देखो ये है आइकॉनिक का कर्लर टोंग इसका जो नंबर मैं बता देती हूँ ट्वेंटी टू mm, एम एम ध्यान से देखिए बस आपको पत्ता पत्ता सेक्शन लेना है एंड इस तरह से कर्ज करना है देखो यहाँ पे जो मेरी असिस्टेंट कर रही है ना उन्होंने पाउडर डस्ट किया एंड इन्होंने बैक कॉमिंग नहीं किया देखो दो तरह का से ये वाला हेयर स्टाइल बनता है एक तो आप बैक कॉमिंग करोगे ना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस तरह से डस्ट को किया एंड हल्का हल्का बैक कॉमिंग कर दो वो भी एक सही तरीका है बट ये भी सही तरीका है बट हमने सोचा था क्या कि बिना बैक कॉमिंग के हमें करना है आई मीन टू से मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी तरफ मैंने ना फ्रंट में दो तीन हेयर मतलब तो ऊंचा वाला जो हेयर होता है ना फ्रंट का उसमें हमने क्या किया था हल्का सा बैक कॉमिंग किया था मैं दूसरी तरफ आपको दिखा दूंगी इस इधर आई थिंक क्लिप शूट नहीं हुआ है तो कलर सबसे इम्पॉर्टेंट है आप नाइनटीन एम भी यूज करोगी ना वो भी बहुत अच्छा दो दो है तो बस दो इस तरह से आपको कर्ज करना है कर्ज का डायरेक्शन आप देख लो यही मेन होता है डायरेक्शन आपको इस तरह से अच्छे से करना था अब पीछे में हमने पहले सोचा डन कर लेते तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हल्का सा पफ टाइप का क्रिएट करना है देखो ज्यादा हैवी वाला नहीं करना है एकदम नॉर्मल सा पफ आप कर लो ऑप्शनल है करना चाहते हो तो करो तो इस तरह से आपको डस्ट करना है एंड इस तरह से आप हल्का हल्का एकदम लिटिल बिट बैक कॉमिंग करो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर मुझे लिंक मिला तो दूंगी नहीं दूंगी तो आप अमेजोन से ले लेना आप लोग सो so, इस तरह से बहुत अच्छे से आपको बैक कॉम्बिंग करना है आप देख सकते हो बस एक नॉर्मल सा आपको पफ पीछे में क्रिएट कर लेना है बहुत आप लोगों ने प्यार दिया है मेरे प्रीवियस वीडियोस को थैंक यू सो मच आप लोगों का दिल से थैंक यू सो मच मैं इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो लाऊंगी सो so, ये वाला ब्राइडल हेयर स्टाइल आप ज़रूर से ज़रूर अभी वेडिंग डे आने वाला है ना उसमें ट्राई करना क्योंकि देखो अब ना हम सारे हेयर स्टाइल से बोर हो गए मैं तो मैसी से सबसे सब ज़्यादा बोर हो गई हूँ मैं ट्विस्ट से बोर हो गई हूँ फिर माथा पट्टी से बोर हो गई हूँ तो मुझे कुछ न्यू करना था तो मैंने ये वाला हेयर स्टाइल ना पे इंटरेस्ट कहीं देखा था तो मैंने अपने असिस्टेंट को बताया कि आप ऐसे ऐसे कर दो मैं इनको कुछ भी गाइड करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से ये कर लेती है वाट्स आपको नेम तो पता ही होगा मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस में जो लोग जो स्टूडेंट ने ज्वाइन तो उनको तो इनका नेम भी अब याद हो गया होगा मेरे साथ यही रहती है हेल्प um, के लिए बेसिकली तो इस तरह से पफ बनाने के बाद अच्छे से पफ को आपको बॉबी पिन से टाई करना है दूसरे तरफ आते देखो मैं दूसरे तरफ आपको क्या समझा दी थी देखो पाउडर देना है आपको एंड इस तरह से आपको कर्ल करना है देखो टोंग का डायरेक्शन इधर चेंज हो गया आप एक चीज़ नोटिस करो टोंग का डायरेक्शन आप देखो टोंग का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से आपको डायरेक्शन रखना है इसका एंड थोड़ा होल्ड रखना है जैसे आप कर्ल्स करने बैठते हो ना टोंग के अंदर इस तरह से हेयर को रोल कर रहे हो जैसे क्लैंप आपने खोला है न इस तरह से रोल तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ना थोड़ी देर छोड़ोगे उसको कम से कम थर्टी फोर्टी सेकेंड के लिए तभी वो कर्ल होल्ड करेगा अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा ये वाला हिस्सा आप चॉपस्टिक से भी कर सकते हो बट वैसा लुक नहीं आएगा जितना अच्छा ये ऐसे आएगा मैं ये बोल रही थी जी हाँ आप ना इस तरह से हल्का सा ना बैक कॉमिंग भी कर सकते हो इससे क्या होता है फ्रंट में वॉल्यूम आ जाता है तो मैंने क्या किया कि वॉल्यूम के लिए ना बैक कॉमिंग करवाया था फ्रंट में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कम वॉल्यूम लग रहा है मैंने दूसरी तरफ भी बाद में करवा दिया था बट क्लिप शूट नहीं किया है तो यहाँ पर पहले आप देख लो अच्छे से कैसे कॉल्स हो रहे थे ध्यान से तो यू कैन सी मैंने क्या किया mm, दूसरी तरफ भी हल्का हल्का बैक कॉमिंग करवाया था एंड अगर आपको लग रहा है कल्स खुल गए तो आप फिर से कल्स कर सकते हो एंड मैं बैठी हुई चेयर पे आप देख सकते हो मैं थोड़ा आराम कर रही थी क्योंकि मुझे इसके बाद मेकअप करना था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ सो so, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया था इस तरह का कॉम आपको इजीली एमेज़ोन पे मिल जाएगा इस तरह से आपको क्या करना है बस हल्का हल्का हेयर को सारे हेयर को बेसिकली लेना है जितना आपने कर्ल्स किया है एंड इस तरह से हल्का हल्क हल्का नीट करना है इस कॉम की हेल्प से एंड बस एकदम फुलर रखना है आपको चिपकाना नहीं है फ्रंट में आपको फ्लिक्स वगैरह निकालने हैं तो आप निकाल दो जो कि बहुत ही सुंदर लगता है एकदम रैंडम सा आपको एकदम मैं कैसे बोलूँ कई बार ना मैं हेयर स्टाइल की वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ इसलिए मैं सॉन्ग लगा देती हूँ आपको बस इस तरह से हल्का सा, सा पॉफिनेस देना है बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ जी हाँ एंड आपको पता है मैं ना छः मंथ पहले या एक साल पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी मुझे कोई हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए था अपने सैलों के लिए क्योंकि ना मैं मेकअप करती थी ना मैं बहुत थक जाती थी जैसे मुझे चार ब्राइड अगर रहती थी तो चारों का हेयर स्टाइल बनाओ चारों का मेकअप मुझे अकेले करना पड़ता था तो मैं बहुत थक जाती थी मुझे कोई मिल नहीं रही थी बट ये जो मेरी अम, असिस्टेंट है वर्षा इनको ना हेयर स्टाइल अच्छा आता है मतलब बेसिकली इनको बेसिक आता था तो मैंने ना इनको गाइड बहुत अच्छे से किया मैं चाहती थी कि कोई मुझे ऐसा पर्सन मिल जाए जो मेरा ना आधा काम कर दे क्योंकि ना आप अगर हेयर डू भी कर रहे हो ना मेकअप भी कर रहे हो तो आपका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा लगता है तो मुझे अब ये अच्छा हो गया कि इनको मैंने हेयर हेयर स्टाइल सिखा दिया है तो इसकी वजह से क्या होता है मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है बाकी आ, मैं भी हेयर स्टाइल बहुत बार बनाती हूँ बट तो मैं चाहती हूँ क्या कि इनका और हाथ फ्रेश तो मैं इनको ही देती हूँ करने के लिए बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइम बचे कई बार ना आपने देखा होगा बड़े बड़े शहर में तो आप हेयर स्टाइल स्टाफ को आराम से मिल जाएंगे बट हमारे शहर में ना नहीं मिलते हैं तो इस वजह से मैं अपने असिस्टेंट को ही ट्रेन कर दिया मैंने सही किया ना एंड इन्होंने अच्छा बनाया अभी हेडो अभी जो जितनी भी मेरी मास्टर क्लास हुई थी ना सब में इन्होंने ही हेस्य बनाया था मैंने सारे हेयर स्टाइल इनको सिखा दिए एंड इसके बाद ना बहुत अच्छे से इन्होंने किया सो so, मैं ये बहुत खुश हूँ कि चलो भगवान ने मेरा सुना मतलब मैं बहुत दिनों से हेयर स्टाइलिस्ट को ढूंढ रही थी एंड मुझे मिल गए सो so, इसके बाद पीछे में मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं दिखाया क्योंकि नॉर्मल सा बन किया नेट लगाया फ्लावर लगाए हम फ्लावर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे बाद में मुझे हाथ लगाना ही पड़ा क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी किस डायरेक्शन में दूँ कैसे दूँ तो मैंने रैंडमली उधर ना सारे फ्लावर को मिक्स कर दिया एंड बहुत लोग इसका लिंक मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊँगी कि मैंने ऑफलाइन लिया यानी सहरसा में ही कहीं से मैंने परचेस कर लिया था बेसिकली सो लुक एट द फाइनल लुक एंड हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई थी कि मैंने टीका फिट किया था जब पफ जिस टाइम बन रहा था तो टीका पहले ही आपको फिट करना होता है यानी कि पफ़ को जब आप टाई कर रहे थे उससे पहले एंड लुक ए द फाइनल लुक होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर इस तरह के और वीडियो देखने एंड uh, आप कमेंट कर सकते हो बेसिकली मुझे एंड मुझे बताना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है नहीं मिलती है नेक्स्ट वीडियो में